बुराई पर अच्छाई का पर्व विजयादशमी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया। देश के कई स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। इसी तरह अकोला में भी रावण का दहन 2-3 स्थानों पर किया गया। अकोला के तापड़िया नगर परिसर में युवा शक्ति प्रतिष्ठान द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिष्ठान द्वारा विगत 17 वर्षों से रावण का दहन किया जा रहा है। अकोला में रावण का दहन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया गया। इस वक्त रिमोट कंट्रोल का बटन विधायक रणधीर सावरकर द्वारा दबाया गया। उसी तरह कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, भाजपा नेता अनूप धोत्रे, डॉक्टर अमोल रावणकर, जयंत मसने समेत भाजपा के पदाधिकारियों की उपस्थिति थी। दसऱ्याच्या शुभप्रसंगी मी समस्त महाराष्ट्रातील, अकोला जिल्ह्यातील, या देशातील बांधवांना मनापासून दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतो। समृद्धी, सुख आणि आरोग्य सर्वांच्या आयुष्यात राबो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। जय श्रीराम। नमस्कार। आज आपण राजे शिवछत्रपती क्रीडांगणावर आम्ही युवा शक्ती प्रतिष्ठान एक भव्य दिव्य असा रावण दहनाचा कार्यक्रम सोहळा इथं आयोजित केलेला आहे। गेल्या 17 वर्षापासून आपण इथे हा रावण दहनाचा कार्यक्रम इथं आयोजित करत असतो। युवा शक्ती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष माननीय सागरभाऊ सेगोकार यांच्या संकल्पनेतून हा रावण दहनाचा कार्यक्रम इथं आयोजित केलेला आहे। या रावण दहनासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून अकोला पूर्वचे लोकप्रिय आमदार माननीय रणधीरभाऊ सावरकर, तसेच सोबतच विजूभाऊ अग्रवाल व अनुभव धोत्रे हे उपस्थित असतात। यांच्या प्रमुख उपस्थितीने हा कार्यक्रम सोहळा पार पडत असतो। असंख्य लोकांच्या उपस्थितीमध्ये हा रावण दहनाचा कार्यक्रम इथे आयोजित असतो। जवळपास अकोला शहरातून व आजूबाजूच्या खेडे विभागातून सुद्धा आमच्या इथे जवळपास 3-4 हजार लोक, 3-4 हजारच्या जवळपास लोक या मैदानावर, राजे शिवछत्रपती मैदानावर उपस्थित असतात। आणि विशिष्ट वैशिष्ट्य आमच्या या रावण दहनाचं म्हणजे असं आहे की मागच्या वर्षीपासून आम्ही रिमोट कंट्रोलद्वारे रावण दहन करत आहे की जो प्रयोग हा अकोला जिल्ह्यात आणि बहुतेक करून हा कुठे भारतातसुद्धा झालेला नसणार, तो आपल्या अकोला जिल्ह्यामध्ये आमचं युवा शक्ती प्रतिष्ठान नवदुर्गा उत्सव मंडळ हे आम्ही इथे यावर्षी आपल्यासमोर सादर करत आहे। तर लोकांना आपल्या माध्यमातून आवाहन आहे की आपण सर्वांनी या रावण दहनासाठी आपण आवर्जून उपस्थित राहावं। धन्यवाद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्यपाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल सारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल,
उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास दिघोरी नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।